मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज ये वीडियो मैं घर से बाहर बना रहा हूँ, क्यों मैं निमराना फोर्ट पैलेस में आया हुआ हूँ। तो अगर पूरे देश के मौसम की बात करें तो अब गर्मी बढ़ने लगी है। अगले दो दिनों तक हमें उम्मीद नहीं है कि उत्तर भारत में कोई बारिश की गतिविधि होगी, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का इलाका शुष्क रहेगा। लेकिन 22 तारीख से हल्की फुल्की गरज चमक के साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं या धूल भरी आंधी चलना शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में, और 23 मई से जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तरी राजस्थान में और यानी कि श्रीगंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर वगैरह में बढ़ेगी, और उसी तरह से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी। और 24 तारीख से अगर देखें तो पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में, पंजाब से लेकर के राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तेज धूल भरी आंधी चल सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। और 24 तारीख से ही जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर भी बारिश और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, और ये कम से कम पहाड़ों पर जो स्नोफॉल है और जो बारिश है वो 27 मई तक रहेगी। लेकिन जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वो मई के आखिर तक बारिश देखेंगे, ओले देखेंगे और धूल भरी आंधी देखेंगे, यानी कि मौसम वहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और उसी तरह से देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी जो केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। ये 23-24 से शुरू होगी और मंथ के एंड तक रहेगी, यानी कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान बारिश देखेगा मई के जितना भी ये समय बचा है। और मानसून, जैसे हमने बताया है कि 7 जून के आसपास केरल में दस्तक देगा, हो सकता है कि 2-3 दिन पहले भी आ जाए या थोड़ा सा लेट आए, लेकिन प्री मानसून गतिविधियाँ जो पश्चिमी तट है भारत का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा और अगला वीडियो जो होगा वो पूरे विस्तार में बनाऊँगा। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।